तो ये भूटान है, ये पारो है, ये टाइगर नेस्ट है। यहाँ की हर यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ पर लगे हर प्लेइंग फ्लैग्स, हर प्लेइंग व्हील्स अपने आप में कुछ कहते हैं। आप देख रहे हैं ये टाइगर नेस्ट, शुरुआत की थी हमने पारो से। टाइगर नेस्ट का दर्शन करके अभी हम नीचे आए। तो दोस्तों, इसकी जो किंवदंती है जो गाइड ने हमको बताई, तो मैं उसकी आपको समरी बताने की कोशिश करता हूँ। टाइगर नेस्ट में गुरु पद्म संभव की मूर्तियाँ हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्म संभव की वो यही मूर्ति है जो दोबारा बोली थी। भूटान में जो पुनाखा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गुरु पद्म संभव की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी। तो सभी मूर्तियाँ जाने के बाद आखिरी मूर्ति वहाँ बची गुरु पद्म संभव की। तो आखिरी मूर्ति का क्या किया जाए, ऐसा मूर्तिकार सोचने लगे। तब मूर्ति पहली बार बोली, ऐसा पहली बार हुआ था, मूर्ति बोली कि मुझे टाइगर नेस्ट लेके जाया जाए। ये ऐसा पहली बार हुआ जब मैं पहली बार मूर्ति बोली, तब मूर्ति को यहाँ टाइगर नेस्ट लाया गया। तब जो श्रद्धालु थे, जो लोग मूर्ति को लेके आ रहे थे, तब वो वहाँ पे रुके, क्योंकि आगे जगह नहीं थी जाने के लिए, आगे बहुत ही छोटी जगह थी। तो लोग परेशान हो रहने लगे क्योंकि मूर्ति की साइज बड़ी थी। तो लोग सोचने लगे कि अब इतनी तंग रास्तों में से मूर्ति कैसे ले जाई जाए। तब ऐसा दोबारा हुआ कि मूर्ति दूसरी बार बोली। तब मूर्ति बोली कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी परेशानी नहीं है। तो हम जो बोलते हैं ना, जो स्थानिक ग्राम देवता होती है, तो स्थानिक ग्राम देवता वहाँ पे आए और उन्होंने उन लोगों की मदद करके जो मूर्ति अभी जो रखी है वही है टाइगर नेस्ट। और वही यही एक किंवदंती है कि दोबारा मूर्ति जो बोली वो टाइगर नेस्ट में रखी गई गुरु पद्म संभव की ये मूर्ति है। दूसरी किंवदंती ऐसी है कि यहाँ पे टाइगर नेस्ट पे दोबारा आग लगी थी, एक 1927 में और एक 1998 में। पहली बार लगी थी वो, मैं शायद गलत बोल रहा होगा, लेकिन 1998 में आज जो लगी थी वहाँ पे टाइगर नेस्ट का पूरा जो था वो जल गया था, सिवाय मूर्ति के, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसे ही ये किंवदंती है और ऐसा ये टाइगर नेस्ट का दर्शन करके हम जा रहे नीचे। तो आप देख रहे हैं अपना सफ़र, और इस सफ़र में हम आए थे भूटान के इस टाइगर नेस्ट में, जो धार्मिक यात्रा है। भूटान की पूरी यात्रा ही अपनी एक धार्मिक यात्रा है, और उसी धार्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान टाइगर नेस्ट। तो चलते हैं आगे। तो मिड पॉइंट से जो बोर्ड हमको दिखा था कैफेटेरिया का, वो यही कैफेटेरिया अभी हम पहुंच गए। ये देखिए, तो यहाँ पे आप आपकी अपनी थोड़ी पेट पूजा वो। तो उतरते वक्त 12:20 को अभी हम हाफवे से थोड़ा नीचे आए हैं, और बहुत लोग पूछते हैं हमसे, भैया और कितना बाकी है। कैफेटेरिया अभी ये हाफ वे आएगा यहाँ से। हाँ। और वहीं से सीधा है। कितना दूर है मतलब? 400-500 मीटर बस। ओके, देखा आपको है ना, ये देना पड़ता है क्या, वो आमिर खान क्या देता है वो थ्री इडियट पिक्चर में, क्या डेमो, ये था डेमो। देखा, जैसे हम आप से अभी मतलब उतरते तो हम दोनों ही दिख रहे हैं, बाकी कोई नहीं उतर रहा, क्योंकि जल्दी हमने दर्शन करके, वो अभी आज जाना है हमको फुनशुलिंग पारो से, इसलिए देख के उतर रहे हैं। तो कुछ कैसे करते हैं, ये देखिए
भैया और कितना है? अरे यार मैं हैरान हो जाता हूँ ये देख के कि तो दोस्तों जवान लोग हो अपने खुरों में आपको यकीन होना चाहिए, खुर मतलब अपने पैरों में यकीन होना चाहिए, डाइट अच्छा होना चाहिए और ट्रेक करना चाहिए। बहुत नीचे आ गए अभी हम, थोड़ा ही रह गया है टैक्सी स्टैंड का जो पार्किंग है वो, और लगभग 4 घंटे हमको यहाँ तक लगे। नीचे जाके मिलते हैं। टूर ऑपरेटर टूर, तो नीचे आने के बाद हमको मिले हैं हमारे दोस्त मिस्टर चेंचो, और बहुत अच्छा लगा। इंडियन फ्लैग भूटान फ्लैग, इंडियन भूटान इज बाई बाई, एरोप्लेन की फैक्ट्री जो HL हम जिसे बोलते हैं वो नासिक में है, तो अच्छा लगा। इतने दूर पे टाइगर नेस्ट में भी अपने को नासिक के अपने को ही तुम मिले ऐसा। तो यहाँ जो छोटी छोटी दुकानें लगी है उनमें अभी हम बैठे हैं। तो कितने दिन से आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं? हाँ 5 दिन, 5 साल, 5 साल से। आप कहाँ के रहने वाले? हाँ ऊपर से। अच्छा, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ कब रहती है? मालूम नहीं है। ओ इसकी क्या प्राइस है? 1000। धनुष बाण डिस्काउंट 800। इथं आपल्याला शिवसेनेचं धनुष बाण आपल्याला दिसलं हे बघा, ही आणि धनुष बाणाची किंमत कमी राहील असं होईल का कधी? नाही होणार। तर धनुष बाणाची किंमत 1000, 1000 रुपये सांगितले। तर एक हे हळदी कुंकाचं एक आपलं जे राहतं तसं आम्हाला दिसलंय आणि त्याला लॉक सिस्टम आहे तिजोरी सारखी। दाखव असं लॉक उघडल्यावर ते उघडतं, पण मग एवढं वेळ वाया थांबतील का? ते उघडीस तर खोलीस तर, कारण की सगळे बिझी। हाँ तो दोस्तों आ गए हम बारो के टैक्सी स्टैंड में। आप देख रहे हैं पीछे ये जो पूरा मार्केट जहाँ पे खत्म होता है वहीं पे ही बारो का टैक्सी स्टैंड, और यहाँ से अभी फुनशुरिंग जाने के लिए बस तो अवेलेबल नहीं, क्योंकि कल हम आते ही बस स्टैंड पे गए तो बस तो हमको मिली नहीं।
बस 11 तारीख तक पहुंची और हर सुबह खाली बस जाती है, शाम को कोई मतलब 12 11 बजे के बाद कोई बसेस या कुछ भी यहाँ से अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए अभी टैक्सी की है अभी। ये देखिए, ये शेयरिंग वैगन आर है, इसका शेयरिंग में पड़ता है 750 रुपये एक जन का। अगर आप स्पेशल गाड़ी करके जाते हो यहाँ से तो 3000 रुपीज़ एक गाड़ी का आपको देना पड़ता है, चाहे आप थिम्पू जाओ चाहे पूछे लग जाओ पूरे एक दिन में, या अगर बुक करके जाते हो तो 3000 रुपये। ऐसे 750 में वो लगभग 4 सीट्स भरते हैं। ऐसे बुक हो गई और शुरू हो रहा है हमारा नई स्टैंड। 12 कुछ